इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की पीडीएफ फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज 2 जनवरी 2023 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी को याद दिलाए वादे, पूछा हर परिवार को घर देने और किसानों की आय दोगुनी करने का क्या हुआ। इसके अलावा नए साल में मुख्यमंत्री देंगे सभी विभागों में बड़ा तोहफा। नए साल 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे ये 7 बड़ी सौगातें। सबसे महत्वपूर्ण, युवा बेरोजगारों को 1,00,000 नई सरकारी नौकरियां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीते 4 साल में 1,35,000 युवाओं को सरकारी नौकरी में नियुक्तियां दे चुके हैं। करीब 1,00,000 नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। गहलोत ने ऐलान किया कि आगामी वर्ष 2023 यानी फरवरी में पेश होने वाला बजट युवाओं को समर्पित होगा। इस बजट में 1,00,000 और सरकारी नौकरियों की घोषणा की जाएगी। बेरोजगारों को तोहफा देते हुए सभी भर्तियों में पदों की संख्या में बढ़ोतरी भी की जा सकती है, साथ ही संविदा कर्मियों को भी गहलोत बड़ा तोहफा दे सकते हैं। नई फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सभी भर्तियों की घोषणा इस बजट में होगी। राजस्थान पत्रिका न्यूज, कर्मचारी चयन बोर्ड पीटीआई भर्ती में फर्जी डिग्री का मामला सामने आने के बाद खुल रहे राज, अभ्यर्थियों की विशेष जांच शुरू। अभ्यर्थी एक भर्तियों में डिग्री अलग अलग, असली योग्यता क्या। पेपर लीक गिरोह के तार, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़े होने का मामला उजागर होने के बाद नए नए मामले सामने आ रहे हैं। पीटीआई भर्ती के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कर रहा है ऐसे अभ्यर्थियों की सूची तैयार। चयन बोर्ड अध्यक्ष का बयान, पिछली परीक्षाओं में कॉमन रहे बाहरी डिग्री वाले अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी। बोर्ड फर्जी डिग्री के मामले में गहनता से जांच कर रहा है। दोषी पाए गए अभ्यर्थियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हरिप्रसाद शर्मा, पत्रिका ने किया था डिग्री में फर्जीवाड़े का खुलासा। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह के तार, अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़े होने का मामला राजस्थान पत्रिका ने उजागर किया था। नए साल में जून तक हर महीने होगी परीक्षा। बोर्ड सहित अन्य परीक्षाओं में बैठेंगे 50,00,000 से अधिक अभ्यर्थी। महानगर टाइम्स जयपुर, आरपीएससी की सेकंड ग्रेड भर्ती रद्दवा पेपर, इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड, इसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड सीटी ग्रेजुएशन 12वीं लेवल और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड। पाली भास्कर न्यूज स्पेशल, पेपर लीक ऑन व्हील्स के 57 चेहरे, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 55 गिरफ्तार, 2 फरार, सभी चेहरे पहली बार भास्कर में। इनमें से 55 चेहरे जालौर जिले के, 15 के पिता व 5 आरोपी खुद सरकारी कर्मचारी, सेकंड ग्रेड पेपर आउट मामला। ये 45 अभ्यर्थी अब आरपीएससी में आजीवन डिबार। इनमें 7 लड़कियां, 1 वार्ड पंच, 2 भाई भी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर लगाया सेकंड ग्रेड पेपर आउट को लेकर आरोप, राजसमंद भास्कर न्यूज। नर्सिंग भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा, जयपुर टाइम्स सरदार शहर विधायक। आगामी बजट में शामिल करवाने के लिए मुख्यमंत्री को सुझाव पत्र भेजा।
विद्या संबल योजना के अस्थायी शिक्षकों ने धरना स्थल पर किए सुंदरकांड के पाठ। जयपुर भास्कर, भास्कर न्यूज ब्रीफ। सरकारी स्कूलों में बनेगा विद्यालय पूर्व विद्यार्थी मंच, फिर होगा सका संगम। यूनिफॉर्म के लिए 55 करोड़ का बजट, बच्चों के बैंक खातों में जल्द होंगे जमा। मेडिकल कॉलेजों में आवंटित हुए MBBS की सभी सीटें, राजस्थान पत्रिका न्यूज पाली। अजमेर CBSE की प्रायोगिक परीक्षाएं आज से, राजस्थान पत्रिका न्यूज। CBSE बोर्ड अजमेर। पदोन्नति कार्मिकों को 7 जनवरी तक कार्य ग्रहण की छूट, शिक्षा विभाग बीकानेर। विद्यार्थियों के खाते में जल्द जमा होंगे यूनिफॉर्म सिलाई के रुपए। नए शिक्षा सत्र से खुलेंगे ऑनलाइन प्राइवेट स्कूल, 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स की लगेगी वर्चुअल क्लास। महानगर टाइम्स जयपुर। 1 से 8वीं के स्टूडेंट्स को मिलेंगे पैसे, खेलकूद के लिए भी बजट दिया। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में पात्र छात्राओं को बसंत पंचमी पर किया जाता है सम्मानित। प्रदेश की 2.51 लाख बेटियों को मिलेगा गार्गी और प्रोत्साहन पुरस्कार। महानगर टाइम्स। छात्राओं के लिए बन रहा है 7 मंजिला छात्रावास, मुख्यमंत्री का बयान। सीटी ग्रेजुएशन लेवल पात्रता परीक्षा 7-8 जनवरी को 8 विभागों में पात्रता के लिए, 4 पारी में होगी परीक्षा। नवज्योति जोधपुर बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन। 6 महीने 7 विभाग 1443 पदों के लिए होगी प्रतियोगी परीक्षाएं। वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड संस्कृत की शिक्षा, इसके अलावा 29 जनवरी को होने वाली परीक्षा में बदलाव संभव। नवज्योति अजमेर RPSE सेकेंड ग्रेड। इसके अलावा द्वितीय संस्कृत शिक्षा विभाग के 6 विभिन्न विषयों के 538 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 29 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक किया जा सकता है। सीटी परीक्षा 7 से 71 हजार अभ्यर्थी बैठेंगे भरतपुर में, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती। भास्कर खास लिस्ट के लिए तरस रहे 3rd ग्रेड शिक्षकों के घर की नजदीकी पोस्टिंग पाने की चाह अभी भी अधूरी। शिक्षा विभाग में 1 सप्ताह में 1200 प्लस ट्रांसफर, 550 प्रिंसिपल इधर उधर। 3rd ग्रेड टीचर्स को ट्रांसफर का इंतजार, जाने कहां किस पद पर कितने तबादले। न्यूज ब्रीफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 1458 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी के लिए सूचना का अंतिम दिन। 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स में स्किल डेवलपमेंट के लिए जिले में 1037 व्याख्याताओं को देंगे ट्रेनिंग चूरू। CBSE बोर्ड अजमेर न्यूज भास्कर। यूनिफॉर्म सिलाई के लिए 7.70 करोड़ का बजट मिला डूंगरपुर। भास्कर न्यूज। खाली पद बोर्ड परीक्षा परिणाम में बाधक नहीं बने, इसलिए शिक्षकों ने अवकाश में भी शुरू कर दी अतिरिक्त कक्षाएं पूंजपुर। यूनिफॉर्म सिलाई TSP के 6 जिलों के लिए मिले 7.70 करोड़, प्रत्येक स्टूडेंट्स के खातों में जमा होंगे 200-200 रुपए। बांसवाड़ा भास्कर। भास्कर न्यूज ब्रीफ। कर्मोन्नत स्कूलों में 6552 पदों को मिली मंजूरी, नए सेकेंड ग्रेड 3rd ग्रेड के पद सर्जित। 108 डेंटल टेक्नीशियन की होगी भर्ती अंता। IOS में 1760 पदों पर भर्ती, CRPF में भर्ती। JW Main इंतजार की घड़ियां खत्म, 12 जनवरी अंतिम तिथि फॉर्म भरने की। नवज्योति। सरकारी स्कूल स्टूडेंट्स के खाते में जमा होंगे यूनिफॉर्म सिलाई के रुपए। स्कूली ढांचे को मजबूत बनाएंगे पूर्व विद्यार्थी, छात्रों को देंगे प्रेरणा, पढ़ाएंगे सफलता की कहानी। नवज्योति भीलवाड़ा।